नमस्ते, जय हिंद। आज हमारा दूसरा दिन है स्पोकन इंग्लिश मैराथन का, और इसमें हम सीखेंगे कि अंग्रेजी को पढ़कर कैसे सीखा जाता है। दरअसल सबसे पहले हमको अल्फाबेट सीखना चाहिए, जो डे वन में करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ आपको सिखाया। यदि आप नहीं सीखे तो उस वीडियो पर पहले चले जाए, प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ डे वन क्लिक जरूर करके पहले पढ़ ले। ये डे टू है। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे ये मैं बता देता हूँ। हाउ टू रीड, रीडिंग कैसे होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि आप अगर जॉगिंग करेंगे तो शरीर के लिए कार्डियो का काम करता है, पढ़ेंगे स्पीकिंग इंग्लिश मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीडिंग ज़रूरी है। फिर आप सीखेंगे वर्ड्स, जो बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका स्पोकन का ना प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, आप इसे ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अल्फाबेट के बाद हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, लेटर्स ही सीखते हैं, और लेटर्स आप रीडिंग सीखते हैं। रीडिंग एक परफेक्ट सोर्स है इंग्लिश सीखने का। अगर आप मुझे बोले तो मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टू बी, टू हैव, टू डू, ये सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। बट पहले जो ज़रूरी है, चूँकि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ और मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स को कैसे इंग्लिश सिखाई जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों चीज़ आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। वैसे मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊँगा, सो प्लीज़ हैव पेशेंस। पहले भी पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं पहले से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द एलिफेंट रोप। लिखना, पढ़ना, बोलना, LSRW चारों सोर्स है। इसमें आपका रीडिंग और लिसनिंग दोनों अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, 20, 30, 40, 50 इसको याद करिएगा, और याद करके इसको ना आप क्या करिएगा, मिरर के सामने स्टोरी को बोलने की कोशिश जरूर करिएगा। दिस इज द परफेक्ट वे टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि ये अनुभव है और ये चीज़ हम करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसको देखिए, बिलीफ, पूरी दुनिया जो है ना वो विश्वास पर कायम है, और उसी को हम कहते हैं बिलीफ। इसी से एक लाइक बिलीफ सिस्टम, बार बार कई मोटिवेशनल स्पीकर इस चीज का जिक्र करते हैं। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी। अ जेंटलमैन, पहले मैं रीडिंग देता हूं, जहां कॉमा होगा वहां एक सेकेंड के लिए आप रुकेंगे, और जहां फुल स्टॉप होगा वहां दो सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे, रुकेंगे, आराम से आप इसको पढ़ेंगे, और जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगे उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है माई करियर डॉक्टर के नाम से, एज इट इज मैं आपको PDF दे दूंगा। वर्ड्स वगैरह भी बहुत अच्छे से इसमें आपको समझाए गए हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ट्रस्ट मी, इसको समझने में, माय डियर फ्रेंड्स। स्टोरी में देखिए क्या है, दिस इज ऑल अबाउट। अब हम पहले पढ़ लेते हैं। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप एंड ही स्पॉटेड दैट द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन केजेस और हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन्स। ऑल दैट वॉज होल्डिंग देम बैक फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप वॉज अ स्मॉल पीस ऑफ रोप टाइड टू वन ऑफ देयर लेग्स। फुल स्टॉप पे दो सेकेंड, कॉमा पर एक सेकेंड आपको क्या करना है, रुकना है। एक ही साथ नहीं पढ़ना है, इसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। पढ़ने में आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको ज़रूर आती होगी, तो इसको कोशिश करिए पढ़ने की। अगर दिक्कत होती है, गूगल पर शब्दकोश नाम से एक डिक्शनरी आती है, वो आपको इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन तीनों प्रोनंसिएशन, इंडियन में एक न्यूट्रल, एक नॉर्मल एक्सेंट करके बता दिया जाएगा, या फिर कोई डिक्शनरी ले लीजिए, उस हिसाब से जहाँ भी आपको दिक्कत हो पढ़ने की ज़रूर कोशिश करिएगा। फिर से मैं पढ़ता हूँ, कॉमा पर एक सेकेंड, फुल स्टॉप पर दो सेकेंड। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप एंड ही स्पॉटेड दैट द एलिफेंट्स वरंट बींग केप्ट इन केजेस और हेल्ड बाई द यूज ऑफ चेन्स। All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. As the man gazed upon the elephants, he was completely confused as to why the elephants didn't just use their strength to break the rope and escape the camp. They could easily have done so, but instead, they didn't try at all. आई होप यू गेट इट। आप पढ़ेंगे, कार्डियो का काम करेगा, इससे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल जो है वो मजबूत होगी। 6 महीने तक लगातार आप लाउडली बोल बोलकर सुबह शाम 10-10 मिनट पढ़िए, आई एम डैम श्योर आपकी स्पीकिंग इंग्लिश क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसा देखा गया है स्कूल कॉलेज में, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, या फिर प्रे करवाते हैं, क्लास के मॉनिटर होते हैं, वर्क के, उनमें लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होती है, बजाय उन बच्चों के जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, जाके चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं। उनको अंग्रेजी भी सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको, हमको टाइम लगेगा।
अब हम पढ़ते आ जेंटलमैन, आ जब अकेला आए तो आप इसको आ आ जेंटलमैन आ ए नहीं, अकेला है ए ए अ का भी साउंड करता है, अकेला जब ये लिखा है तो आ अ जेंटलमैन अ जेंटल जेंटलमैन। मैन का प्लुरल होता है मैन, लिटरेचर पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें आप सीख जाएंगे। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू, ये मैंने लिखकर समझा दिया है, से गुजरना, वॉकिंग थ्रू का मतलब क्या होता है, से गुजरना, वॉकिंग थ्रू यहां पर लिखा है से होकर गुजरना। ये अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप, एलिफेंट जहां रहते हैं ना हाथियों के झुंड या कोई सर्कस वगैरह होता है तो वो वहां लेकर जाते हैं हाथियों को, तो उस कैंप में से होकर उसके, मान लीजिए पूरा वो कैंप होगा, वॉकिंग थ्रू उसके बीचों बीच, क्योंकि थ्रू का यूज इसी के लिए होता है, थ्रू टनल, थ्रू जंगल वगैरह हम प्रपोजिशन यूज करते हैं। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप, उसके बीच से होकर वो जा रहा था, एंड जा रहे थे, एंड ही स्पॉटेड, देखिए स्पॉट का मतलब होता है देखना या पहचानना, जैसे कि मैं बोलूं कि महेंद्र सिंह धोनी वॉज स्पॉटेड एट कोलकाता एयरपोर्ट, यानी महेंद्र सिंह धोनी कहाँ दिखे थे, कोलकाता एयरपोर्ट पर। तो यह स्पॉट का मतलब, सॉ भी अगर होता तो परफेक्ट है, दरअसल वर्ब अपने रियल फॉर्म में जो होता है बाबू वो होता है, वर्ब अपने रियल फॉर्म में जो होता है, लेट मी चेक, इन्फिनेटिव में होता है, वर्ब अपने रियल फॉर्म में क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पी ए आर टी आई सी आई पी एल ई। अब देखिए इन्फिनेटिव यानी वर्ब, जैसे टू स्पॉट हम करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इसका प्रेजेंट या तो स्पॉट होगा या स्पॉट्स होगा, पास्ट क्या होगा, स्पॉटेड, पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होगा, स्पॉटेड, और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होगा, स्पॉटेड, आई एम सॉरी स्पॉटिंग। देखिए V1 जो होता है ना, प्रेजेंट में V1 और V5 दोनों आ जाता है, V1 एंड V5, पास्ट यानी V2 को बोलते हैं पास्ट, V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, याद रखिएगा, और V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही चीज है बस। तो चूंकि पास्ट की बात है तो इसीलिए आपने क्या यूज किया है, स्पॉट, स्पॉटेड, V2 यूज किया है आपने, एंड ही स्पॉटेड, उसने देखा, दैट मीन्स की, यहां दैट का मतलब क्या हो गया कि द एलिफेंट, चूंकि एक से ज्यादा है ना, पहली बार तो एलिफेंट का जिक्र हुआ है इसलिए अब दूसरी बार यूज करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल हम द का इस्तेमाल करते हैं बार बार, जैसे आप इसे जानते हैं, मैं बोलूंगा द पैनल इज न्यू या फिर द पैनल इज ओल्ड, बिकॉज यू सी व्हिच पैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज राइट, दैट द एलिफेंट्स वरंट, W-E-R-E को क्या पढ़ते हैं आप, वर, और वर प्लस नॉट को क्या बोलते हैं, वरंट, बीइंग केप्ट, उनको मतलब नहीं रखा, कीप का मतलब होता है रखना, और ये पास्ट है चूंकि स्टोरी पास्ट की है, वरंट बीइंग केप्ट इन केसेस और हेल्ड बाय, होल्ड होता है ना प्रेजेंट, होल्ड, इसका पास्ट क्या होता है, हेल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है, हेल्ड। फिर से हम समझते हैं, एंड ही इज स्पॉटेड दैट द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन केजेस, यानी हाथियों को पिंजरे में नहीं रखा गया था, पिंजरा, और हेल्ड बाय, और ना ही उन्हें बांधा गया था, द यूज ऑफ चेन्स, किसकी मदद से, चेन का मतलब होता है ना वो जंजीर जो होता है, उसकी मदद से बांधा भी नहीं गया था, थामा नहीं गया था, ऑल दैट वॉज होल्डिंग देम, और वो चीज जो उन हाथियों को थाम रखा था, पकड़ रखा था, बैक फ्रॉम escaping, escape एक वर्ड होता है, ESCAP, बचकर भाग निकलना या भाग जाना, यानी बांध जो रखा था ताकि भाग ना जाए, फ्रॉम द कैंप was a small piece of rope, एक छोटी सी क्या थी, रस्सी थी, ये देखिए ये बिलीफ, हाथियों ने मान लिया कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता इसीलिए नहीं ये तोड़ पा रहा इसको, राइट, टाइड टू, जो बंधा हुआ था, टाई का मतलब ये भी होता है जिसको आप गला शोभनी या कंठ लंगोट कहते हैं, लेकिन टाइड है बांधना, तो टाइड टू वन ऑफ देयर लेग्स, यानी तीन चार लेग है ना उनमें से एक,
वन ऑफ देयर लेग्स, यानी एक छोटी सी रस्सी से क्या किया गया था, उसे बांध दिया गया था। एज जैसे ही मैन गेज अपॉन, निहारा या घूर कर देखा, गेज मीन्स टकटकी लगा कर देखना, घूर कर देखना, द एलिफेंट्स जैसे उसने उन हाथियों को देखा, ही वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, कंफ्यूज, जैसे आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हूं, आई वॉज कंफ्यूज, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, ही वॉज कंफ्यूज एज टू वाई द एलिफेंट्स डिड नॉट बोलते हैं ना आप, या डिड नॉट जस्ट यूज देयर स्ट्रेंथ, एलिफेंट्स है ना, इसीलिए यहां पर लिखा है देयर, अगर एलिफेंट होता तो हिज या इट्स तो नहीं होगा, हिज स्ट्रेंथ टू ब्रेक द रोप, ब्रेक का मतलब तोड़ना फोड़ना दोनों होता है, तो यहां हो गया तोड़ना, टू ब्रेक द रोप, यानी ये जो हाथी हैं ये अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते रस्सी को तोड़ने के लिए, एंड एस्केप, और भाग जाते हैं यहां से द कैंप, कहां से, उस कैंप से, दे कुड ईजली हैव डन सो, जैसे बोलते हैं ना दे कैन डू, वे लोग कर सकते हैं, तो पास्ट में अगर बोलना होगा हमें कि कर सकते थे, दे कुड ईजली हैव डन सो, ये आसानी से कर सकते, तो कैन का पास्ट कुड हैव डन, यू कैन डू आप कर सकते थे, यू कुड हैव डन होता है इसका पास्ट, बट कॉमा इंस्टीड, इसके बदले, इंस्टीड का मतलब क्या होता है, इसके बदले, ये आपको मिल जाएगा वर्ड, दे डिंट ट्राई, इन्होंने कोशिश नहीं किया, टू एट ऑल, बिल्कुल भी, क्यूरियस, अब क्यूरियस कौन था, वो आदमी जिसने देखा, एंड वॉन्टिंग टू नो, उनकी इच्छा थी जानने की, इच्छा कर रहा था, उत्सुक था, इच्छुक था जानने को, द आंसर, कि आखिर क्या बात है कि इन छोटे छोटे रस्सियों से हाथी बंधे हुए हैं लेकिन वे भागकर जा नहीं रहे, ही आस्क्ड अ ट्रेनर, एक ट्रेनर से पूछा नियर बाय, व्हाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, ये पूछा, नियर बाय का मतलब नजदीक में, जो एक ट्रेनर था उससे पूछा, व्हाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, वहां पे क्यों एलिफेंट्स खड़े थे, एंड नेवर ट्राइड टू, ट्राई का मतलब कोशिश करना, पास्ट है तो ट्राइड टू इसके भाग जाने की कभी कोशिश क्यों नहीं की, द ट्रेनर रिप्लाइड, यानी उस ट्रेनर ने, चूंकि पहली बार तो अ ट्रेनर, फिर क्या आ गया, द ट्रेनर रिप्लाइड, ट्रेनर ने जवाब दिया, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, रिप्लाइड, क्या जवाब दिया जरा देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको रखा, बोलते वक्त भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां तक है डबल इन्वर्टेड कॉमा, When they are very young, जब ये बहुत छोटे होते हैं, elephants की बात हो रही है, एक से ज्यादा, इसलिए they बोला है, and much smaller, बहुत छोटे होते हैं, comma, we use the same size rope, इसी साइज के हम लोग रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, टू टाई देम, इन लोगों को बांध, I'll tie you, I'll tie your legs, मैं आपके पैर क्या कर दूंगा, बांध दूंगा, and at that age, और उस at this age, इस वक्त, at this time और at that time का मतलब उस वक्त, at that age यानी उस उम्र में, it's enough, ये क्या होता है, काफी होता है, to hold them, इन लोगों को थाम कर रखने के लिए, as they grow up, और जैसे जैसे ये grow up होते हैं, बड़े होते हैं, they are conditioned, ये अनुकूलित हो जाते हैं, इस बात को मान लेते हैं, to believe, यकीन करने लगते हैं, They cannot break a break. ये यहां से इन्हें तोड़कर नहीं भाग सकते हैं. ऐसा हमारे साथ भी होता है. They believe, ये मानते हैं, यकीन करते हैं, The rope can still hold them. ये जो रस्सी है ना, ये अभी भी इन्हें थाम कर रख सकता है. So they never try to break free. इसीलिए ये इस चंगुल से छोड़कर नहीं जा पाते हैं. इस चंगुल से छूट नहीं पाते हैं. The only reason, ये break free, ये specially मैंने लिखा हुआ है, the only reason that the elephants weren't breaking free, इस चंगुल से भाग पाने में, and escaping, निकल कर भाग जाना from the camp was, that key, over the time, समय के साथ, over the time का मतलब क्या हुआ, लिख लीजिए pause करके जो नहीं समझ में आ रहा है, They adopted, इन लोगों ने इस बात को मान लिया है, अवधारणा बना ली है, the belief, विश्वास, जिसकी हमने शुरू में जिक्र करी थी, that it just
wasn't possible, कि ये संभव नहीं है। हम भी अवधारणा बना लेते हैं लर्निंग इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, या तो ये बना लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि गलत तरीका अप्रोच करते हैं, जैसे टेंस से शुरू होते हैं वॉइस नरेशन पे जाते जाते जोश खत्म। LSRW, मैं इसकी वकालत करता हूं, आपको सीखना चाहिए। अभी आपकी रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग तीनों हो जाएगी इस सिर्फ एक स्टोरी से, ट्रस्ट मी। और ये मत समझना कि डे टू में ही मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, आप इसको बार बार पढ़िए। वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, मैं इसको सबमिट कर दूंगा माई करियर डॉक्टर पर, वहां से आप इसको जरूर ले लीजिएगा, राइट। और इसको समझने की कोशिश करिए, आप वर्ड्स भी सीखेंगे, फुल स्टॉप कॉमा पढ़ने के बारे में आप जानेंगे, और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको जरूर तीन चार बार पढ़िए। फिर भी अगर आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगे उसको अंडरलाइन करके लिखिए, या कुछ हिंदी वर्ड्स गलत लिखे होंगे लेकिन PDF में आपको करेक्ट जाएगा। ये सॉफ्टवेयर की बिलीफ का मतलब है आस्था, धारणा या विश्वास, विश्वास है ये, आई एम सॉरी ये गलत है सॉफ्टवेयर की वजह से। वॉक थ्रू से होकर गुजरना आपको बता दिया था, स्पॉट देखना पहचानना, बींग केप्ट रखा जा रहा है, और वॉज बींग केप्ट रखा जा रहा था, इज बींग केप्ट रखा जा रहा, ये है को हटा दीजिए। हेल्ड बाय थाम कर रखा, ये रखना है, यहां पर क्या हो जाएगा रखा। स्केप भाग जाना या मुक्त होना, स्केप का मतलब भाग जाना या मुक्त होना। टाई मीन्स बांधना, टाइड मीन्स बंधा हुआ। गेज अपॉन गॉड से देखना, ब्रेक तोड़ना फोड़ना इंस्टेड के बदले में, राइट। क्यूरियस मीन्स उत्सुक, वांट मीन्स इच्छा करना, वांट मीन्स कमी अभाव भी होता है, होल्ड मीन्स पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। कंडीशन अनुकूलित, यानी कि माइंड कंडीशनिंग, जैसे कि हम, या प्लीज सिट डाउन साहब, राइट। ब्रेक अवे, अलग हो जाना या भाग जाना, ब्रेक फ्री चंगुल से छूटना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें क्या क्या हमने सीखा हुआ है, दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इट। मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी क्या शिक्षा हमको मिली, क्या नैतिकता का पाठ हमने सीखा इस स्टोरी से। नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया कायनात ट्राइज टू होल्ड यू बैक, कितना भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, प्लीज डोंट टेक अ चेयर, ऑलवेज कंटिन्यू विद द बिलीफ, इस विश्वास के साथ बढ़िए आगे कि What you want to achieve is possible, जो आप पाना चाहते हैं, achieve means पाना चाहते हैं, वो संभव है। Believing you can become successful, यानी ये मानना, ये विश्वास करना कि आप कामयाब हो सकते हैं, is the most important step in actually achieving it, वो सबसे महत्वपूर्ण step होता है, कदम होता है पाने के लिए। ये बात अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, If you want to do something, first you have to make your belief system strong. And first you have to believe that yes, you can do. क्योंकि हमारे जो actions होते हैं वो हमारे विचारों के गुलाम होते हैं। हमारे अंदर जैसे विचार आते हैं वैसे ही हम सोचते हैं, और जिस चीज़ के बारे में जितना सोचते हैं हमारे actions उसी दिशा में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है An average performer can perform best in a good environment. एक औसत खिलाड़ी भी अच्छे माहौल में अच्छा बन सकता है, कोई बच्चा पढ़ने वाला, और एक अच्छा बच्चा भी गलत माहौल में गलत हो जाता है। तो विचार बनाएं जिंदगी, और आपको यकीन करना होगा that yes, you can do, और जैसे जैसे मैंने आपसे कहा वैसे फॉलो करिए। Just like that, जैसे कि elephant in the story, इस कहानी में जो हाथी है, We too have figurative, figurative ropes का मतलब होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक रस्सी। हमारी जिंदगी में भी इस हाथी की तरह, जैसे बचपन में हाथी के पैर में वो रस्सी बांध दिया और जैसे वो ग्रो अप हुआ फिर भी उसको लगा दैट ही कैन नॉट ब्रेक इट, ठीक वैसे ही बचपन में हमारे मन में ये इंस्टिल कर दिया गया, बिठा दिया गया दैट लर्निंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट, पब्लिक स्पीकिंग इज डिफिकल्ट, क्रैकिंग UPSC इज डिफिकल्ट, क्रैकिंग मेडिकल एग्जामिनेशन इज टफ और डिफिकल्ट, ये बिठा दिया गया उस हाथी की तरह। और हमारी सोच की लिमिट जो है ना, वो लिमिट है ही नहीं इसकी। वी टू हैव फिगरेटिव रोप्स, प्रतीकात्मक जो है ना वो एक रस्सी है, दैट कीप अस फ्रॉम परसुए का मतलब होता है किसी चीज को पाने की कोशिश करना या पीछा करना। फिगरेटिव दैट कीप अस फ्रॉम आवर पैशंस, जो हमें कीप मीन्स रखना होता है और थामे रखना होता है और रोकना भी होता है, जो हमको क्या करता है रोक कर रखता है जो हम पाने की कोशिश करते हैं, क्या जो हमारे पैशंस जुनून हमारे होते हैं। लाइक टीचिंग इंग्लिश इज माई पैशन, मेकिंग यूट्यूब वीडियोज
इज माई पैशन, राइट? एंड ड्रीम्स जो हमारे ख्वाब होते हैं, वी मस्ट रिमाइंड, हमें ये जरूर स्मरण करना चाहिए आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को, दैट की आवर ड्रीम्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हु वी आर। हमारे जो ख्वाब हैं वो हम क्या हैं उसके बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ये हिस्सा है। एंड हेंस अतः, और अतः वी मस्ट अनटाई, हमें खोलना चाहिए, और ब्रेक अवे, हमें इन जंजीरों को तोड़ना चाहिए। तो फ्रॉम द रोप, ये जो रस्सी हमने मान लिया है, दैट जो हमें रोकता है, प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एक्सप्लोरिंग, कुछ ढूंढने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को ढूंढने के लिए, जानने के लिए, एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहर की जो दुनिया है उसको भी जानने के लिए। हेयर आर द थिंग्स दैट यू मस्ट एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है टू ट्राई, प्रयत्न करना, वी ओ यू, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होता है तो आपको सिस्टम पे सिर्फ आर लिखेगा, यू नहीं लिखेगा, ओ आर, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द रियलाइज योर ड्रीम्स, इससे हमें क्या करना चाहिए, हेयर आर द थिंग्स दैट यू मस्ट, प्रयत्न करना चाहिए टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द रियलाइज योर ड्रीम, इन चीज़ों से क्या करना चाहिए, जैसे कि हाथी के बच्चे को जो रस्सी बांध दिया जाता है वो समझ नहीं पाता है आगे तक, तो इन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, इन चंगुल से छुटना चाहिए, फ्रॉम टू रियलाइज योर ड्रीम्स, ताकि आप अपने सपनों को क्या कर सके, पूरा कर सके। फ्रीडम फ्रॉम फियर्स, हम सभी को डर होता है, ऑफन आर इरेशनल, देखिए एक वर्ड होता है रैशनल, ये मैंने यहाँ समझा दिया है आपको, रैशनल तर्कयुक्त होता है, जो समझदार होता है, बुद्धिजीवी, उसको हम रैशनल, और इसके ठीक अपोजिट इरेशनल होता है, और अज्ञानी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल, और अतर्क संगत, ऑफन आर इरेशनल फियर, जो अतर्क संगत जो डर है, जो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होता है, जो हमने खुद बना लिया है, आर व्हाट प्रिवेंट, जो हमें रोकता है अस फ्रॉम अचीविंग आर ड्रीम्स, जो हमारे सपने को पाने के लिए, इनएडुकेट बिलीफ, अपर्याप्त जो हमारी अवधारणा होती है, जो हम बना लेते हैं ना, इनएडुकेट बिलीफ, अपर्याप्त क्या होता है, हमारे जो होते हैं इनएडुकेट बिलीफ, अपर्याप्त विश्वास, ये हिंदी गलत लिखी हुई है, पीडीएफ आपको करेक्ट मिलेगा, अपर्याप्त जो विश्वास हमारा होता है ना, बिलीफ इन आर सेल्व कीप अस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, ये हमें थामे रखता है हम लोगों को, अपर्याप्त जो विश्वास, मतलब फुल कॉन्फिडेंस जो नहीं होता है किसी भी चीज़ के बारे में, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरेस्टिंग डिबेट, किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने से, कोई डिबेट हो रहा है उसमें, परफॉर्मिंग आर स्किल बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने जाकर कुछ बोलने में, एक्सप्रेसिंग आर ओपिनियंस, अपनी चीज़ को, अपनी यू नो इच्छाओं को जाहिर करने में, अपने वक्तव्य को, इरीसी, द फियर ऑफ बींग लाफ्ड एट कीप्स अस फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स, यानी डर किस चीज़ का है, बींग लाफ्ड, हंसे जाने का डर, इसकी वजह से हम नई चीज़ ट्राई ही नहीं करते हैं। लेट्स इंस्टिल, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक अच्छी बात मन में बिठाते हैं, और वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड आत्मविश्वास, टू ब्रेक अवे, इन बंधनों को तोड़कर निकलने की, फ्रॉम द फिल्म्स मी का मतलब होता है थोथा रोप, यानी कि सो कॉल्ड रस्सी जो हमने भी अपने मन में बिठा रखा है उसको निकालिए, कि हमारे पैर बंधे, लेकिन हमारी जो सोच लिमिटेड होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको क्या करिए, तोड़कर निकलिए, फिल्म्स मी थोथा जो एक रस्सी होता है, सो कॉल्ड रस्सी ने जो पकड़ रखा है, ऑफ फियर दैट कीप्स अस इन आर कम्फर्ट जोन, जो हमको हमारे आरामदायक जोन में ही रखता है, हमको आगे बढ़ने ही नहीं देता है, एंड इन स्टील, इसके बजाय स्टील द लाइमलाइट, आपको क्या चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए, उसके लिए आप प्रयास कीजिए ना, एंड शाइन लाइक द स्टार्स दैट वी आर, और तारे की तरह क्या करिए, चमकिए, जो वाकई में हम हैं, या जिसे हम डिजर्व करते हैं। This perhaps the most essential aspect, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है to achieve our dreams, अपने गोल को पाने के लिए, regardless, इसके बगैर, परवाह किए बगैर, regardless of, एक phrase है, परवाह किए बगैर, what we try, हम क्या try करते हैं, there must be always room for failure, यानी जब हम fail होते हैं ना, तो उसके लिए space होना चाहिए, acceptance होनी चाहिए, फेलियर, रूम फॉर फेलियर का मतलब होता है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यस आई फेल, नो इश्यूज, क्योंकि फेल ही तो हमें सिखाता है। व्हाइल इट माइट बी एन
ओवर यूज्ड फ्रेज, ये बहुत ज्यादा बार यूज किया हुआ फ्रेज है कि फेलियर के लिए रूम होना चाहिए. देयर रियली इज नो सक्सेस विदाउट एडिक्वेट फेलियर. पर्याप्त या अपर्याप्त असफलता के बिना आप सक्सेस तो पा ही नहीं सकते, और अगर पाए तो क्षणभंगुर है, वन नाइट ओनली. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग इन योर पैशन. जो जुनून है, जो जिद है किसी चीज को सीखने का, उसमें फेल होने का मातम मत बनाइए. जस्ट वर्क प्रोग्रेसिवली टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करिए. ये आगे मैंने आपको पढ़ा दिया, दिल करे तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है. वरना इस स्टोरी को, ये जो दो तीन चार पैराग्राफ है, इसको पढ़ लीजिएगा, वर्ड्स याद कर लीजिएगा अच्छे से. और आप नाम से और बार बार पढ़ेंगे तो पढ़ना आएगा, आप वर्ड्स सीखेंगे, उनके यूजेज सीखेंगे. और इंग्लिश में इस स्टोरी को 20 बार पढ़िए, आप मन ही मन पढ़िए, लाउडली पढ़िए, वर्ड्स याद करिए, कई बार पढ़िए. फिर एक दो किताब छोटी छोटी बच्चों वाली, जैसे कि चंपक, उसके बाद पंडित विष्णु शर्मा की जो किताब है पंचतंत्र इंग्लिश में, ये सब आप लेकर छोटी छोटी बच्चों की कॉमिक्स लेकर पढ़ने की कोशिश करिए, उसको समझिए. चूँकि लिटरेचर या फिर स्टोरी इज द परफेक्ट सोर्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज. सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, वॉचिंग ऑल्सो भी होता है, वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो, बट प्लीज़ डू दिस, डू फॉलो दिस, एवरी थिंग विल बी ऑल राइट, ट्रस्ट मी. ये आज दूसरा सेशन था. तीसरे सेशन में और हम अच्छी चीज़ बात करेंगे. आई एम सॉरी, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहता है. रेगुलर पेड क्लासेज यहाँ दरभंगा बिहार में होते हैं, जहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सीखने आते हैं. आपका यदि इंटरेस्ट है, आप आना चाहे तो आ सकते हैं. सेकेंड फ्लोर यूनियन बैंक कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू होटल प्रिंस, लहरिया सराय, बलभद्रपुर, दरभंगा बिहार में ये है. एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा. हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, हर महीने के 1 तारीख को ऑनलाइन क्लासेस होते हैं. अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. कैसा लगा वीडियो ये लिखकर ज़रूर बताइएगा. हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, अभी जो स्पोकन इंग्लिश मैराथन स्टार्ट किया है इसमें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट. बट येस, जो बिलीफ आपने बना लिया ना, एक विश्वास, ये जो इनएडुकेट बिलीफ आपने बना लिया है दैट आई कांट डू, येस यू कैन डू. बिलीफ सिस्टम को अच्छा करिए. स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.